जय हिंद दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसे जगह की स्टोरी जो भारत का दूसरा लाल किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मिथिला जिसका क्षेत्र भारत के बिहार राज्य में आता है और जिसका सीधा संबंध माता सीता की जन्मभूमि से है, उसी मिथिला में है दरभंगा राज, जिसकी स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं शताब्दी में की थी। दरभंगा राज के अंतर्गत बंगाल बिहार के अलावे और भी कुछ क्षेत्र आते थे। ऐसी मान्यता है कि दरभंगा राज बिहार के मिथिला क्षेत्र में 6200 किलोमीटर तक फैला था। 1874 में जब महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा राज की गद्दी पर विराजमान थे, तब की बात है, उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराजा ने लंदन से समुद्र के जरिए लॉर्ड लॉरेंस नामक ट्रेन इंजन को कोलकाता तक मंगवाया था और इसी ट्रेन इंजन से पहली बार दरभंगा तक राहत सामग्री पहुँचाई गई थी। यानी बिहार में जो पहली बार 17 अप्रैल 1874 को जो पहली ट्रेन चली थी, वो समस्तीपुर और दरभंगा के बीच चली थी ताकि आम लोगों को तकलीफ ना हो सके। लंदन के वायसराय से लेकर वहाँ के लोग दरभंगा महाराज के इतने बड़े फैन थे कि महाराज की शान और शौकत और रुतबे के सामने हमेशा नतमस्तक रहते थे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी के छोटे भाई रामेश्वर सिंह जी ने लगभग 125 साल पहले, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया जा रहा था, तब 50 लाख रुपए का दान किया था। इसके अलावा महाराजा रामेश्वर सिंह ने पटना स्थित अपना दरभंगा महल पटना यूनिवर्सिटी को दान में दे दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसे प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब के निर्माण में आर्थिक रूप से काफी मदद महाराजा रामेश्वर सिंह जी ने की थी, क्योंकि इनका पूरा परिवार शुरू से ही शिक्षा और गरीबों की मदद में हमेशा तत्पर रहा। कभी भी इन्होंने शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया। रामेश्वर सिंह जी के मौत के बाद उनके पुत्र
कामेश्वर सिंह यहाँ की गद्दी पर बैठे। दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह अपनी शान और शौकत के लिए विदेशों तक विख्यात थे। अंग्रेजों ने इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि भी दी थी और ये अपने क्षेत्र के इतने बड़े शुभचिंतक माने जाते थे कि कभी भी इन्होंने यहाँ अंग्रेजों की चलने नहीं दी। महाराजा कामेश्वर सिंह जी ने चीनी मिल, पेपर मिल, कई तरह के बिजनेस को चालू करवाया जिससे लोकल किसानों को फायदा हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है, इनके मृत्यु के पश्चात बिहार में आज ये सभी चीजें बंद है। दरभंगा का लाल किले जैसा दीवार 1934 में आए भूकंप के बाद बना था, जो कि लगभग 85 एकड़ में है। दरभंगा महाराज की रियासत लंदन तक फैली हुई है। ब्रिटिशर्स इनको लोहा मानते थे और कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे बड़े हो छोटे हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़े बड़े अंग्रेज पदाधिकारी और वायसराय यहाँ पर दौरे चले आते थे। बिहार को बिजनेस का मेन सेंटर बनाने के लिए दरभंगा महाराज ने जमीन और पैसा हद से ज्यादा डोनेट किया, लेकिन इनकी मौत के बाद ये सभी चीजें देखरेख के बिना बर्बाद होता गया और देखते देखते समृद्ध बना बिहार बर्बादी के रास्ते पर चल दिया। आज भी यहाँ के पॉलिटिशियन इन मुद्दों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा का अपना महल, जिसे आनंद बाग महल के नाम से जाना जाता है, और अपना बनाया पुस्तकालय संस्कृत विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। आपको सबसे खास बात बता दूं कि दरभंगा बिहार का एक ऐसा जिला है जहां संस्कृत और हिंदी दो दो यूनिवर्सिटी है और यहां दो दो हवाई अड्डे भी हैं। दरभंगा के महाराज के पास अपनी खुद की दो प्लेन उस जमाने में था। इसके अलावे 3 फाइटर जेट इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में देश की सुरक्षा को देखते हुए एयर फोर्स को भी दिया था। शिक्षा हो, संगीत हो,
हर क्षेत्र में दरभंगा महाराज ने यहाँ के लोगों को काफी मदद किया। जैसा महाराज ने सोचा था, अगर बिहार के नेता ठीक वैसा आज करते और इन जमीनों का यूज करके पुराने बिजनेस को चालू करवाते और नए बिजनेस के लिए भी कोशिश करते, तो बिहार के लोगों को शायद नौकरी के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ज्ञान में समृद्ध, धन में समृद्ध बिहार आज गरीब राज्य में आता है। सोचना चाहिए यहाँ के नेताओं को और जनता को। जय हिंद, जय भारत।